आज हर परिवार को फ्री का राशन मोदी जी के आशीर्वाद से, उसका धामी जी और अजय भट्ट जी के सहयोग से हर परिवार को फ्री का राशन मिल रहा है। आज हर गांव में जल जीवन मिशन के माध्यम से, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में, किसी गांव में 1 करोड़, किसी गांव में 2 करोड़, किसी गांव में 3 करोड़, किसी गांव में 4 करोड़, किसी गांव में 10 करोड़, किसी गांव में 25 करोड़ रुपये दे करके नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन की रूप में यहाँ के लोगों की पानी की समस्या का समाधान करने का काम किया है। उत्तराखंड में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भीमताल के विकास खंड धारी में आयोजित की सभी शक्ति केंद्रों, पंत प्रधानों, बूथ अध्यक्षों व मंडल अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज। आपको बता दें कि मंगलवार को आयोजित हुई बैठक में भीमताल क्षेत्र के विधायक राम सिंह कैड़ा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने बताया कि सभी बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्रों व मंडल अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर जाकर मतदाताओं को जागरूक करना है और सरकार द्वारा चलाई गई सभी विकास योजनाओं और कार्यों के बारे में जनता को जानकारी प्रदान करना है और हर बूथ की जानकारी को सरल ऐप व नमो ऐप के द्वारा पार्टी के पदाधिकारियों तक पहुंचाना है। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की UK 24x7 के लिए भीमताल से। 24x7 न्यूज में आज मैं विकास खंड धारी में उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति केंद्र है और बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष और उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी आज मीटिंग थी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो है माननीय विधायक जी श्री राम सिंह कैड़ा जी यहां पर उपस्थित थे और उन्होंने अपनी बातें जो है बेवाकी से रखी हैं और बाकी जो है उनसे हम बात करेंगे किस ढंग से है, और भी अगर कोई पदाधिकारी होंगे यहाँ उनसे भी बात करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि जो आज यहाँ पर मीटिंग की गई है और उसकी तैयारियाँ बूथ लेवल पे क्या चल रही हैं और जो इस बार चुनाव का एजेंडा क्या है। इस बार चुनाव का एजेंडा विकास का है। चुनाव का एजेंडा इस भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाना है। चुनाव का एजेंडा गांव-गांव तक विकास पहुंचाना है, ये हमारा एजेंडा है। और नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र को माननीय अजय भट्ट जी 5 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे, ये हमारा संकल्प है। और जिस दिन अजय भट्ट जी का टिकट फाइनल हुआ उसी दिन हमने प्रेस वार्ता करके कहा था कि 5 लाख से अधिक वोट से माननीय अजय भट्ट जी जीतेंगे। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए नैनीताल उधम सिंह नगर की संसदीय क्षेत्र की सीट अजय भट्ट जी को यहाँ से सांसद बना करके मोदी जी की झोली में यहाँ की सीट को डालेंगे और 5 लाख से अधिक वोट से हम इस सीट को जीतेंगे। ये राम सिंह कैड़ा के साथ ही पूरे भीमताल विधानसभा क्षेत्र के और धारी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का संकल्प है और सभी पदाधिकारियों का संकल्प है। सर, अभी हरिद्वार और उधम सिंह नगर नैनीताल में कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अभी तक खड़ा नहीं हुआ है, क्या ये एक तरफा इनडायरेक्टली सपोर्ट है या उस पर उनके पास जो है वो लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है। इस बार नैनीताल संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी इतने मतों से आगे बढ़ेगी कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी और कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और उनको प्रत्याशी ढूंढने से नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए उनका टिकट फाइनल नहीं हो पा रहा है। और माननीय हमारी भारतीय जनता पार्टी के विकास की जो घर घर तक जो विकास की हमारी गंगा बही है और जो मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में और अजय भट्ट जी के नेतृत्व में जो गांव-गांव तक विकास हुआ है, तो कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस मायूस है और कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। और ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। सर, अभी कुछ लोगों ने चुनाव बहिष्कार का मुद्दा उठाया कि हमारे कुछ रोड से संबंधित हैं और कुछ ये सिग्नल जो हैं टीवी टावर्स के कहते हैं कि हमारे यहाँ सिग्नल ही नहीं आते हैं, तो उस पर आपकी रणनीति क्या होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अजय भट्ट जी ने, माननीय मोदी जी ने भीमताल विधानसभा क्षेत्र के लिए 45 टावर BSNL के स्वीकृत किए हैं और जिसमें से 20 लग चुके हैं और शेष के लिए काम चल रहा है, उनमें कार्य चल रहा है और जो जहाँ भी कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ कनेक्टिविटी पहुंच गई है और जहां रोड नहीं है वहां पर रोड पहुंचाने का हमने काम किया है। और जो लोग चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं वो 1% कांग्रेस के लोग हैं, वो चाहते हैं कि वोट उनको तो पड़ने वाला है नहीं, वो सोचते हैं कि मैंने खाऊं तो एक किस्सा है, मैंने खाऊं तो ढोंग वाला हुआ किस्सा,
तो इसलिए उनको पता है कांग्रेस के लोगों को कि वोट तो भाजपा को जाना है, इसलिए खाली एक बहाना बना करके कि हम लोकसभा चुनाव का एकाध गांव में बहिष्कार की बात जो कर रहे हैं, वहां पर कोई बहिष्कार जैसी स्थिति नहीं है, सब लोग वोट देंगे। एक लोकतांत्रिक त्यौहार है, इस त्यौहार में सब अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, क्योंकि वोट देना हमारा सैद्धांतिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, इस अधिकार को कांग्रेस के लोग हमसे नहीं छीन सकते। आप हैं श्री भुवन आर्या जी, जो प्रवक्ता हैं नैनीताल यूनिवर्सिटी में और जिला कार्यकारिणी में भी उनकी एक बहुत अहम भूमिका है, उनसे ही जानते हैं। सर स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो इस चुनाव की तैयारियाँ हैं और इसमें क्या टीम लेवल पर भी प्रचार में क्या टीम लेवल पर भी आप काम कर रहे हैं या फिर कार्यकारिणी की और अन्य भूमिकाओं में आप? हम टीम लेवल पर काम कर रहे हैं, हर बूथ में जा रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, तो हमारी जीत सुनिश्चित है। और हर कार्य जो माननीय मोदी जी ने जो कार्य कर रखे हैं तो उनके सारे गाँव में प्रचार में बताया जा रहा है कि मोदी जी का ये काम था और उन्हें ये हर गांव में हर घर नल हर घर जल ये सुविधाएं दिए हैं और बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों का जाल बिछाया है, स्वास्थ्य की व्यवस्था की है। तो सारे कार्य, विकास कार्य जो अभी भी चल रहे हैं प्रगति में, वो सब लोग काम। अभी भीमताल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी टीमें हैं जो कि प्रचार अभियान में लगेंगी? तो कम से कम 50 टीमें चली है भीमताल। आप हैं धारी विकासखंड की प्रथम महिला श्रीमती आशा रानी मैडम, और मैम मैं जानना चाहता हूं कि ये बूथ लेवल पर किस ढंग की तैयारी चल रही है? देखो, बूथ लेवल पे हमारा कार्यकर्ता बहुत सक्रिय है। हमारे बूथ में जो है पूरी कमेटी बनी हुई है, 11 लोगों की कमेटी बनती है, तो उनको सारी जिम्मेदारी अपनी पता है। और हमारा एक यहाँ कम से कम 34 बूथ हैं, 34 के 34 बूथ जो है हम जीत रहे हैं। अभी हमारी है एक कर रटन अजय भट्ट अजय भट्ट। मैम का कहना है कि एक के रटन अजय भट्ट अजय भट्ट। मैम इस बार आपके हिसाब से कितने मतों से माननीय जो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं, जिनके ऊपर दोबारा भी पार्टी ने भरोसा जताया है, मैक्सिमम कितने वोटों के अंतर से जीतने वाले हैं? देखो, अभी हम मोटे अंदाज से हम 5 लाख तो अभी बोल रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा हमारा ऊपर भी जा सकता है, 7 लाख भी हो सकते हैं, 8 लाख भी हो सकते हैं। ऐसा ही व्यक्ति ये विश्वास से कह सकता है कि जिसने धरातल पर काम किया हो कि 5 लाख तो नॉर्मली इतना विश्वास तो है ही है, वो 5 से 8 लाख तक भी जा सकता है। मैं वेद प्रकाश आर्या UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ धारी भीमताल से।